हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स डॉट इन। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुब्रा और आज एक बेसिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। जब आपको बिल्कुल ही कुछ सादा सा खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। संडे के दिन लोग ऐसे ही बहुत हैवी हो जाता है, लोगों को इतना सारा कुछ मिल जाता है खाने के लिए, लेकिन अगर ये रेसिपी आप बनाते हैं तो बिल्कुल आपको लाइट फील होगा और इसमें कोई भी ज़्यादा मैंने मसाले ये सब का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसके कारण ये आलू और टमाटर की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बेसिक बन के आई है। तो कभी कभी हमें बेसिक रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, उससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों, जाते जाते ये भी कहना चाहूँगी कि आप हमें एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इतना सारा मेहनत करने के बाद अगर हमें एक लाइक मिलता है तो उससे बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर लाइक दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे आलू और टमाटर की सब्ज़ी, जो कि बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लेंगे, जैसे कि दो आलू जो मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया है और दो टमाटर उसे भी बॉईल कर लिया है, और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का जो प्याज होता है उसे हमने हाफ काट के और उससे हमने चॉप कर लिया था, और साथ ही में यहाँ पे एक हरी मिर्च जो है उसे मैंने सिंपल रखा है बिना चॉप किए, और दूसरी हरी मिर्च को हमने चॉप कर लिया है। फिर कुछ अदरक को भी हमने बिल्कुल छोटे छोटे चॉप करके यहाँ पे रख लिए हैं, और कुछ धनिया का पत्ता है। तो ये सब इंग्रेडिएंट जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, कितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स बढ़ा या घटा सकते हैं। अब वो जो टमाटर है उसका कवर हटाएंगे और उसे बिल्कुल चाकू की मदद से ही उससे चॉप कर लेना है, जिससे वो बिल्कुल मैश की तरह हो जाएगा, बिल्कुल मैश हो जाएगा। और साथ ही में जो आलू है उससे भी हम लोग बिल्कुल अच्छे से चाकू से ही काट लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम लोग एक कढ़ाही लेंगे और कढ़ाही में सबसे पहले एक छोटी चम्मच घी डालेंगे और एक टीस्पून के करीब हम लोग सरसों तेल डालेंगे, फिर जीरा और लाल मिर्च, और उसके में प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। अब प्याज जो है वो भुन चुका है, फिर हम लोग उसमें अदरक जो चॉप किया हुआ है वो भी डालेंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। फिर हरी मिर्च डालना है और उसे भी मिला लेना है। यहाँ पे हरी मिर्च ज़्यादा हो गई है, इसलिए जो नॉर्मल हरी मिर्च मैंने रखे थे वो नहीं डालूँगी अब। उसके बाद ये टमाटर जो है वो भी हम लोग डाल देंगे इसमें और सबको अच्छे से मिला लेना है। सब कुछ समझिए, तो टमाटर भी पका ही हुआ है, आलू पका हुआ है, तो कुछ भी ज़्यादा देर हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी स्लो कुक का अपना अलग ही टेस्ट होता है। अब इसमें हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब, नमक भी हाफ टी स्पून के करीब ही डालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और साथ में यहाँ पे बिल्कुल कम अमाउंट में हम लोग यहाँ पे ये जो जीरा का पाउडर होता है, रोस्टेड जीरा पाउडर, वो डालेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे और पकने देंगे। अब जो आलू है हमारे पास वो भी डालेंगे और उसे भी मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें लगभग 1/3 कप के करीब पानी डालेंगे
और सबको मिला लेंगे। अब इसे कुछ देर ढक के पकाना है। अब ये देखिए ग्रेवी जो है गाढ़ी हो चुकी है और बिल्कुल ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ गया है इसमें, जो कि एरोमा हर तरफ फैल रहा है। तो ये रेसिपी जो है ये लगभग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम लोग इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से गार्निश करेंगे और बाद में सर्व करने के बाद भी गार्निश कर सकते हैं आप इसे। तो रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए। आप इसे रोटी, पीटा ब्रेड किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्राई कीजिए अपनी रेसिपी को और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।